नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे लटक बीम का, यानी कि जो हम छत में बीम डालते हैं उसका रीइन्फोर्समेंट यानी सरिया किस तरह से बांधा जाता है, किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना है, ये सब आज इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। जो सबसे पहले देखने वाली बात है दोस्तों, सबसे पहले आपको ड्रॉइंग में देखना है किस बीम में कितने एमएम का सरिया है, ये आपको देखना है। उसके बाद बीम की लेंथ कितनी है ये देखना है आपको, रिंग कितने का है, सारी डिटेल आपको चेक करनी है। उसके बाद आपको ये जहाँ आपका बीम की शटरिंग हो रखी है उसके अंदर आपको शटरिंग से ऊपर जो कॉलम है उसमें आपको एक सरिया बांध लेना है, और जहाँ अगर लेंथ ज़्यादा है तो वहाँ आपको ईंट वगैरह रख के एक सपोर्ट लगानी है जैसे यहाँ लगाइए। और जितने सरिये हैं उसमें सबसे पहले जो नीचे वाले सरिये हैं वो डाल लेने, जैसे हमने डाल लिए, इसमें हमारे 12 सरिये, 6 नीचे और 6 ऊपर, 25 एम एम के 6 हमने नीचे डाल लिए। उसके बाद ऊपर वाले के लगाने के लिए आपको ऐसे एक कैंडा बोलते हैं इसको, तो ये जो हमारी रिंग आएगी यानी कि जो साइज आएगी उसके हिसाब से आपको ऐसे हम नापी कर लेना है एक रिंग की मदद से, क्योंकि रिंग सरिये के ऊपर से आएगी। उसके बाद इसको बांध लेना है, और ये इसलिए बांधा जाता है दोस्तों कि हम पहले अगर नीचे ही बिछा लेंगे बीम के अंदर तो डेप्थ में होता है, तो जब हम रिंग डालेंगे तो रिंग नहीं डल पाएंगे, रिंग नहीं बंध पाएंगे। तो सबसे पहले हम इसको ऐसे बांध लेंगे ऊपर कैंडे को, और कैंडे की बंधाई जो है दोस्तों आपको अपनी बीम के हिसाब से करनी है। अगर मान लीजिए आपका बीम 2 फीट चौड़ा है, जैसे हमारा यहाँ है 12 सरिये 25 के हैं, तो वेट बहुत हो जाएगा, तो आपको अच्छे से बांधना, ऐसा ना हो आप हल्का बांध दे बाद में जैसे सरिया बंधे रिंग डलना शुरू हो टूट जाए, उसके बाद आपको पूरा खोलना पड़ेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। आपको हर कॉलम पे ऐसे ये बांध लेना है कैंडा, और बीच में भी आपको क्योंकि लेंथ ज़्यादा है तो आपको ऐसे सपोर्ट लगा लेनी है लकड़ी की, जैसे हमने यह लगाई है, ताकि ये झूले ना। फिर दोस्तों हमें ऊपर के सरिये फंसाने हैं, जैसे ये है। अगर मान लीजिए सरिये की लेंथ, हमारी जो लेंथ आती है उससे बड़ी है हमारी बीम की लेंथ, तो हमारा जोड़ आएगा, तो जोड़ देने के लिए हमें क्या करना है, कितना बड़ा जोड़ दें ये भी हमें पता होना चाहिए। तो जोड़ देने का दोस्तों मैं आपको बताऊँ, जोड़ आपको जितना मोटा आपका सरिया, जैसे हमारा 25 का है तो 25 एमएम का सरिया, तो आप उसको 50 से गुना कर लें, 1250 हो गया, यानी कि 4 फीट 1 इंच का आपको कम से कम जोड़ देना है। और जहाँ कॉलम में आ रहा है ये जैसे एल है, एल जितना ड्राइंग में दे रखा एल ज़रूर मोड़ना है, सीधा सरिया कभी नहीं डालना, आपको याद रखना है, उसमें स्ट्रेंथ नहीं रहेगी। आपको जहाँ कॉलम आ रहा है आउटर पे या इनर में आपको सरिये का एल ज़रूर मोड़ना है, जहाँ अगर सरिया टर्मिनेट यानी ख़त्म हो रहा है, तो जैसे यहाँ सरिया हमारा आगे तक जा रहा था तो हम इसको क्रॉस कर देंगे, लेकिन जहाँ हमारा सरिया एंड हो रहा है आपको एल ज़रूर मोड़ना है दोस्तों, वो ड्राइंग में दिया है या नहीं दिया है। अगर आप ड्राइंग बनवाएंगे तो इसमें ज़रूर मिलेगा, लेकिन अगर आप वैसे बिना ड्राइंग के बना रहे हैं तो भी अगर सरिया वाला बिना जोड़ के बिना एल के अगर सरिया लगा रहा आप ना लगाने दें, उसमें कोई स्ट्रेंथ नहीं रहेगी। अब हमने ऊपर के भी 6 सरिये डाल लिए हैं, क्योंकि हमारा टोटल 12 सरिये हैं, 3 नीचे 3 ऊपर। अब इसमें हमारी जो रिंग है वो भी 3 तरह की है दोस्तों, इसमें हमारी जो रिंग है वो भी 3 तरह की डलेंगी इसके अंदर, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। वो हमने बना ली है रिंग, पहले ही तैयार कर लें आप। अब इसके अंदर जैसे ये देखिए सेंटर में जो है सारे लटक गए हैं, क्योंकि उधर साइडों में तो इस कैंडे की मदद से ऊपर हो गए। ये देखिए एल हम बांध रहे हैं यहाँ पे, एल को आपको अच्छे से बांध लेना है, उल्टा सीधा टेढ़ा मेढ़ा नहीं बांधना है। और बीच में ये देखिए पूरा ये 12 सरिये 25 के ढेर हो गए हैं, अभी इनको हिलाने डुलाने में भी काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती है। तो अगर मान लीजिए अगर ये नीचे होते तो आप ये रिंग कैसे डालते, जो हम रिंग डाल रहे हैं, तो सबसे पहले जो रिंग आप डालें, जैसे जैसे रिंग दे रखी है आपको याद रखना है कौन सी रिंग कितने सरिये कवर कर रही है, यानी कि कितने सरियों में कौन सी रिंग गई। जैसे ये देखिए मास्टर रिंग हमारी जो 12 के 12 सरियों में लगेगी, आप इसमें हमारी 3 रिंग है तो हमें सेट के सेट डालने हैं। और ये रिंग डालने से पहले हमें जो ड्राइंग में डिस्टेंस दे रखा 6 इंची 4 इंची वो चौक से मार्क कर लेना है, तो एरिया वाइज हमें पता चल जाएगा टोटल कितनी रिंग है, कितने सेट है, उतने ही रिंग हमें डालने हैं। हमने पहले ये देखिए ये मास्टर रिंग डाली जो 12 के 12 सरिये को कवर करेगी, उसके बाद जो दूसरी रिंग है वो है हमारी 8 सरिये को कवर करती है, यानी कि हमने 2 इस तरफ छोड़ दिए 2 उस तरफ छोड़ दिए, देख रहे हैं आप जैसे हमने डाली। उसके बाद हमारी जो रिंग है दोस्तों वो हमारी 4 सरिये को कवर करेगी, 2 नीचे 2 ऊपर। मास्टर रिंग ने 12 के 12 करे जो 6 ऊपर 6 नीचे, उसके बाद जो रिंग करी उसने 8 करे 4 ऊपर 4 नीचे, उसके बाद जो अंदर वाली है लॉकेट रिंग ये करेगी हमारी 4 सरिये कवर 2 ऊपर 2 नीचे। तो इसमें हमारा एक रिंग नहीं है,
तीन रिंग है, तो अब हम दो ऊपर के सरिए दो नीचे के, जैसे ये कर रहे हैं, इसमें दोस्तों ध्यान रखना ऐसा ना हो आप पूरे चार ऊपर वाले कर दें या नीचे वाले, आपको देखना है। अब ये जो रिंग है छोटी वाली, ये तीन रिंग हमारी डल गई हैं, ये तीन का सेट है, तीनों एक जगह पर देगी। अंदर वाली में चार सरिए जो कि दो ऊपर दो नीचे रहेंगे, उसके बाद उससे बाहर वाली में आठ सरिए, चार ऊपर चार नीचे वाले, और जो मास्टर रिंग है मेन रिंग है उसमें 12 के 12 सरिए कवर होंगे। ये डिज़ाइन दिया है, ये जो कॉलम की हमारी जो बीम की जो साइज़ होती है, बीम की जो हमारी जो साइज़ होती है लेंथ हाइट चौड़ाई, उसके हिसाब से इसमें रिंग दी जाती है दोस्तों। ऐसा नहीं हम इसमें अगर सिंगल रिंग फंसा देंगे तो इसमें कामयाब नहीं होगी। और ये 6-6 इंची पे हैं, तो इस तरह से ये पूरा सेट बन गया है। आपको एक बीच में पूरा सेट लगा लेना है, ये देख पा रहे हैं 25 का सरिया है, बड़ी मशक्क़त करनी पड़ती है। ये देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 तीन रिंग 6 लेग, लेग यानी कि ये जो खड़े में आप देखेंगे सरिया, इसको लेग बोलते हैं, यानी कि 3 रिंग 6 लेग हो गया। ये इस तरह से पूरा सेट आपको एक पहले मास्टर सेट लगा लेना है ताकि किसी तरह से आपको दिक्कत ना हो बाद में इसको, क्योंकि ये 25 का सरिया है, इसको सेट करने में काफ़ी हमें मेहनत करनी पड़ती है। तो ये एक बारी मेहनत आपको ज़रूर करनी है बड़े बीम वगैरह में। छोटे में तो आसानी से सिंगल रिंग होती है आप बांध सकते हैं, लेकिन जो देखने वाली चीज़ है जितना बड़ा बीम होता है और किस डिज़ाइन की किस हिसाब की रिंग है वो सब देखने के लिए। तो ये हमने मास्टर रिंग बांध लिया है, इसको अच्छे से एक जगह बांध देंगे। इसी तरह से सारी रिंग बनेगी दोस्तों, इसमें जैसे हमारी हम बांध रहे हैं इसी तरह से हम सारी रिंग बांधेंगे इसके अंदर। अब जब हम ये मास्टर रिंग बीच की जो मास्टर रिंग का सेट लगा लेंगे, उसके बाद हम इसमें काउंट करेंगे बाकी इस तरफ और उस तरफ कितनी कितनी रिंग आ रही, वो हम ड्राइंग में देखेंगे। रिंग टू रिंग कितना साइज़ है हमारा, 6 इंची 4 इंची कितना गैप है, मार्किंग कर लेंगे, उससे हमारे पास साइज़ आ जाएगा कितनी क्वांटिटी लगेंगी, वो फिर हम इसके अंदर रिंग डालेंगे। सबसे पहले हमें ये रिंग बांधनी है, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं ये हमने ऊपर वाली ऊपर बांध ली सरिया, इसमें हमारे 12 के 12 सरिया आएंगे। देखिए दो इधर आ गए, दो उधर आ गए, 8 बीच वाली के 4 बीच वाली के सेंटर वाली, इस तरह से हमारे पूरा का पूरा 12 के 12 सरिया इसमें मास्टर रिंग में बन जाएंगे। और ये दोस्तों हमारे जो मास्टर रिंग का सेट है बन गया है, 6 सरिया हमारे ऊपर बन गए हैं, 6 सरिया हमारे नीचे बन गए। और अब जो हमने एल मोड़े वो भी हमें बांध देने हैं जैसे जैसे, और देखिए कितना सफाई से कितने अच्छे से हमने एल बांधे, ऐसा नहीं कि हम उल्टा सीधा बांधें, वो स्ट्रेंथ पे फ़र्क पड़ता है। उसके बाद ये हमारा बीम का देखिए शेप आ गया है। अब इसके अंदर हम इसके लेफ्ट और राइट में जितनी रिंग डलेंगी वो कैलकुलेट करके इस पर बांधेंगे। सबसे पहले ऐसे देखिए इनको होल्ड कर लेंगे सरियों को, क्योंकि एक एक सरिये में रिंग डालेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, इनको हम एक जगह पर बांध लेंगे। तो इस तरह से सारे सरिये हम ये ऐसे हमने बांध लिया है। अब इसमें क्या है, हमें रिंग डालने में आसानी रहेगी, और अगर वेट ज़्यादा है तो आप बीच में कोई सपोर्ट और लगा सकते हैं। इस तरह 12 के 12 सरिया हमने बांध लिए, बीच में हमने एक मास्टर रिंग भी बांध ली है सपोर्ट के लिए। अब ये ऐसे मार्किंग कर देनी है, ये देख रहे हैं आप हम चौक से मार्किंग कर रहे हैं, इसमें हमारा 6-6 इंच डिस्टेंस पे है, तो आपको ऐसे मार्किंग कर देनी। अब इस मार्किंग से आपको इसके अंदर लगने वाली रिंग की क्वांटिटी आसानी से पता चल जाएगी, तो आपको पूरा मार्किंग कर लेना है। और मार्किंग करने के बाद दोस्तों आपको सारी रिंग्स फंसा लेनी है एक एक करके सेट पूरा। जैसे ये देखिए पहले मास्टर रिंग आप फंसा लेंगे 12 के 12 सरिये में, हमने अलग अलग पेयर बना रखे हैं सरिये के, आप देख पाएंगे 8 का अलग 4 का अलग, तो उससे हमें रिंग डालने में आसानी रहेगी। जैसे हमने मास्टर रिंग लगा ली, इसमें ये आ गई हमारी 8 वाले में, हम 8 वाली जो बीच वाली है, और ये हम देखिए 4 वाली छोटी वाली लगा रहे हैं। इस तरह से आपको सारी रिंग इसके अंदर लगा लेनी, और आपको याद रखना है रिंग के जो जॉइंट एक इधर होगा, एक सेट का उधर होगा, एक का इधर होगा, एक उधर होगा, और कौन सी रिंग किधर होगी उस हिसाब से आपको इसको डालना है, क्योंकि एक बार रिंग डल गई और गलत डल गई तो आपको दोबारा निकालनी पड़ेगी, निकालने में काफ़ी मेहनत लगती है। तो ऐसे आपको सेट बना लेने हैं ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना रहे दोस्तों। तो इस तरह से आप देखेंगे पूरी हमने रिंग्स लगा ली, और जैसे रिंग लग जाए उसके बाद हमने जो सरिये बांधे थे इनको खोल के डाउन कर देना, क्योंकि अब हमारी रिंग सारी डल गई है क्वान्टिटी जितनी भी थी। उसके बाद हमें ऐसे पूरा डाउन कर देना सरिये को जो बांधा था, खोल देना है। अब खोलने के बाद सारी रिंग जितनी भी हैं उनको हमें एक एक करके बांधना है। अब आप देख पा रहे हैं हमें इसके अंदर कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत सारे जॉइंट्स हैं, एक जगह 3 रिंग के सेट हैं, सबको हमें बांधना है, कहीं भी आपको तार लूज नहीं छोड़ना है दोस्तों। ऐसे आपको सरिया खोल लेना है,
और सरिया खोलने के बाद दोस्तों आपको इस तरह से एक एक रिंग को बांध देना, और ये हमारा बीम हो गया तैयार। और जैसे हम रिंग बांध देंगे उसके बाद हम जो नीचे बीच में लकड़ी की सपोर्ट लगाई वो हटा देंगे, और कॉलम पे जो कैंडल लगा है वो हटा देंगे, ये हमारा डाउन हो जाएगा। इससे पहले आपको इसके नीचे कवर ब्लॉक लगा देने, डाउन होने से पहले ही बांध देने। इसके अंदर कोई स्लीव देनी है एसी की, बिजली की, पानी की, वो दे देनी है ताकि बाद में आप किसी तरह के कोर कटिंग से बच सकें। तो इस तरह से दोस्तों बीम बांधा जाता है। ये थोड़ा सा बड़ा था, इसमें रिंग अलग अलग टाइप की थी, इसलिए मैंने आपको ये दिखाया। नॉर्मल वाले तो सिंगल सिंगल रिंग होती है, आप आसानी से बांध सकते हैं। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस तरह से हम इसकी चटाई यानी कि पूरे छत के सरिया बांधते हैं, वो अगले वीडियो में बताऊंगा। ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जल्द मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद।